हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीपीयू 2018 का बायोलॉजी के पेपर को डिस्कस करेंगे और ये जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो मार्च 2019 में कंडक्ट हुआ था। और इससे पहले हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के पेपर को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बायोलॉजी का सेशन और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। डैश आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। डैश को कोशिका का आत्मघाती बैग भी कहा जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसे आपने 10th में भी पढ़ा होगा और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लाइसोसोम्स होगा। तो लाइसोसोम्स क्या होता है कि जब भी कोई सेल डैमेज हो जाता है, जब भी कोई सेल खराब हो जाता है तो उस समय क्या होता है, लाइसोसोम जो होता है वो टूट जाता है, भ्रष्ट हो जाता है और क्या करता है, इस सेल को खा जाता है, इसको डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप, तो ये होगा ए बी पॉजिटिव जो ब्लड होता है वो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, और ओ निगेटिव जो होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर्स। तो इसको भी आपको याद रखना है, यूनिवर्सल डोनर्स जो होगा वो ओ निगेटिव होगा और यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स जो होगा वो ए बी पॉजिटिव होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द डैश इन द ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्स एवरी एक्टिविटी दैट यू परफॉर्म। तो हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्थावी ग्रंथि जो होता है वो दोनों, ये दोनों क्या करता है, हमारे बॉडी के बहुत सारे एक्टिविटी को वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ जो ऑप्शंस में वो है नर्वस सिस्टम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नर्वस सिस्टम। विटामिन B1 की कमी से होने वाली रोग कौन सा है, तो इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी है, जो विटामिन B1 की कमी से होता है। और इसका जो दूसरा नाम है उसे भी आप याद कर ले क्योंकि एग्जाम में ये भी आ सकता है, और ये है थियामिन डेफिशियंसी, इसे भी याद कर ले, ये भी एग्जाम में आता रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एंजाइम्स आर डैश दैट एक्ट एज कैटालिस्ट विद इन द लिविंग सेल्स। तो जो कैटालिस्ट होता है उसका काम क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे बॉडी में जो रेट होता है केमिकल रिएक्शन का वो कम होता है, तो जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, उसके रिएक्शन को बढ़ा देता है। जो केमिकल रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में, उस रिएक्शन को वो एंजाइम्स जो है वो बढ़ा देता है, इसलिए इसे कैटालिस्ट की तरह ये वर्क करता है एंजाइम। और ये जो एंजाइम होता है उसमें क्या होता है, एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट एक्ट एज कैटालिस्ट विद इन द लिविंग सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन आवर डैश। तो जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होता है वो हमारे नोज में पाया जाता है और इसे हम लोग ऑडोरेंट रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, इसे भी आप याद कर लो। जो हम स्मेल करते हैं उसको जो सेंस करता है, यानी कि यू कैन से कि ये एक सेंसर होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एक प्रकार का सेंसर्स होता है जो हमारे स्मेल जो गंध होता है उसको सेंस करता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे नोज नाक में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। डैश इज द स्टडी ऑफ वायरसेस। तो वायरोलॉजी जो होता है ऑप्शन नंबर 2, ये क्या है, वायरस का एक अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एपिकल्चर इज द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक रियरिंग ऑफ डैश इन स्पेशली डिजाइन्ड वुडन बॉक्स। तो एपिकल्चर है एक प्रकार का क्या होता है, एपिकल्चर एक मधुमक्खी पालन है जिसमें लकड़ी के बॉक्स जो होते हैं उसको एक डिजाइन बनाया जाता है, उसमें एक वातावरण तैयार किया जाता है ताकि मधुमक्खी उसमें आ सके और वहां से हम लोग क्या करते हैं, शहद निकालते हैं। तो बी कीपिंग और एपिकल्चर ये दोनों नाम है, बी कीपिंग और एग्रीकल्चर क्या है, एक प्रकार का मधुमक्खी पालन है जिसमें लकड़ी के बॉक्स यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। द फाइव किंगडम कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वाज गिवन बाय। तो ये जो है फाइव किंगडम कंसेप्ट किसने दिया था, ये रॉबर्ट वाइटकर ने दिया था, और ये जो किंगडम्स होते हैं वो होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी एंड एल्गी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। डैश इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर ड्यू टू विच पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन आर अनेबल टू मेक हीमोग्लोबिन। डैश एक विरासत मिला रक्त विकार जिसके कारण स्थिति से पीड़ित लोग हीमोग्लोबिन बनाने में असमर्थ होते हैं। तो जो थैलेसेमिया होता है उसमें क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल होता है, जो RBC होता है, उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, वो खत्म होने लगता है, जिसके कारण लोगों को क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। तो ये क्या है, इसके कारण हीमोग्लोबिन जो बनता है वो कम होने लगता है बनना, तो ये क्या होता है, थैलेसेमिया इसको बोलते हैं। इस विकार को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिसऑर्डर को बोलते हैं थैलेसेमिया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है, जो हमारे कान में होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द हाइपोथैलेमस अ स्मॉल रीजन ऑफ द डैश प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये पूछ रहा है जो हाइपोथैलेमस होता है वो किस रीजन में बॉडी में पाया जाता है। तो ये हमारे ब्रेन में जो बेस पार्ट होता है वहां पे हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, और ये पीयूष ग्रंथि के जस्ट सामने ही होता है हाइपोथैलेमस। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये ब्रेन में पाया जाता है। और इसका जो मेन वर्क होता है हाइपोथैलेमस का, वो हार्मोन्स को रिलीज करना या फिर हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए वाज फर्स्ट आइसोलेटेड एनालाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड एज ए यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल बाय डैश इन 1869। तो 1869 में फ्रेडरिच माइस्चर ने सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया था, एनालाइज किया था और रिकॉग्नाइज्ड किया था। तो याद कर ले, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है, फ्रेडरिच माइस्चर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, देर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉप्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो जो हेटरोट्रॉप होता है वो क्या होता है, वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। तो ये मेनली 3 टाइप के होता है, एक हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें हर्बीवोरस भी है, कार्निवोरस भी है और ओमनीवोरस भी है। तो कंज्यूमर्स जो होगा वो इसमें नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो हेटरोट्रॉप्स का टाइप नहीं है। तो कंज्यूमर्स जो होता है वो हेटरोट्रॉप्स का टाइप नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज द स्टडी ऑफ फंगी। तो जो माइकोलॉजी होता है वो कवक का एक अध्ययन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स इज बोटेनिकली नोन एज डायंथस, निम्नलिखित में कौन सा फूल वनस्पति रूप से डायंथस के रूप में जाना जाता है। तो इसमें जो कार्नेशन होता है, जो एक टाइप का फ्लावर है जिसे हम लोग क्लोव पिंक भी बोलते हैं, ये इसको हम लोग बोटेनिकली डायंथस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ये लास्ट 2 साल में बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछा गया है, तो इन सारे 2 साल में जो क्वेश्चंस बने हैं उन सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा किया जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को, साइंटिफिकली नोन एज, बोटेनिकली नोन एज, और इसको एक पीडीएफ बना के आप लोग को दिया जाएगा, आप लोग को इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा बिफोर सीजीएल एग्जाम से पहले। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ग्रेट पैराडिग्म्स ऑफ बायोलॉजी। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान के महान प्रतिमानों यानी कि उदाहरणों में से एक नहीं है। तो इन 4 में जो ये भी एक बायोलॉजी से रिलेटेड है, मेंडल लॉस ऑफ इनहेरिटेंस ये भी इसी से रिलेटेड है, डार्विन थ्योरी भी बायोलॉजी से ही रिलेटेड है, लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है ये फिजिक्स से रिलेटेड है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये जीव विज्ञान से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू ए स्टडी बाय डॉक्टर अनूप मिश्रा चेयरमैन 40 सी डॉक एंड हिज टीम, इवन नॉन ओबीज एंड लीन पर्सन मे प्रोन टू। तो डॉक्टर अनूप मिश्रा के अनुसार कि जो गैर मोटे यानी कि जो मोटे नहीं होते हैं, दुबले पतले होते हैं, उनको भी जो है डायबिटीज का टाइप 2 रोग हो सकता है। तो ये जो पहले का जो भ्रम था कि जो दुबले पतले होते हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज नहीं हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो दुबले पतले व्यक्ति होते हैं उसे भी टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, द लेवल्स ऑफ ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन इन ब्लड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। रक्त में जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर होता है वो कई कारकों से प्रभावित होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है उनमें से कौन सा एक कारक नहीं है। तो जो HbA1c होता है, जो एक ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है, वो कई कारकों से प्रभावित होता है, इसमें एक ब्लड शुगर भी आता है, इसके अलावा एनीमियाज, हीमोग्लोबिनोपैथीज एक्यूट और क्रोनिक ब्लड लॉस से भी होता है, प्रेगनेंसी से भी होता है, और यूरेमिया यानी कि यूरिया का जब ब्लड में ज्यादा हो जाता है उसे यूरेमिया बोलते हैं, उसके कारण भी हो सकता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर, लेकिन लॉस ऑफ मेमोरी है इसके कारण नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, ये तीनों जो है कारक है किसका, ये तीनों कारक है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का, जबकि लॉस ऑफ मेमोरी जो होता है ये इसका कारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21, मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स इज कंट्रोल्ड बाय। तो जो मेंढकों में मेटामॉर्फोसिस होता है उसको नियंत्रित किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये जानना चाहिए कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। तो मेटामॉर्फोसिस होता है जब किसी भी एनिमल का जो शेप में जो चेंज आता है, जो परिवर्तन आता है उसके लाइफ में, उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि जो फ्रॉग होता है उसके जो लाइफ साइकिल होते हैं उसके 4 होते हैं, 4 स्टेट होता है। एक होता है सबसे पहले अंडा आता है, उसके बाद टैडपोल, उसके बाद फ्रॉगलेट, देन आफ्टर, उसके बाद लास्ट में एडल्ट फ्रॉग यानी कि
मेढक होता है। तो ये चार स्टेज होता है। इस स्टेज को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा यूज किया जाता है वो थायराइड ग्लैंड में होता है, वो सीक्रेट करता है, क्या करता है, थायरोक्सिन, जिससे ये जो चारों स्टेज है वो कंट्रोल होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, थायरोक्सिन इसका करेक्ट आंसर होगा, जो हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलता है वो कंट्रोल करता है हमारे मेटामॉर्फोसिस को। और मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, वो हमारे जो लाइफ जो होता है, एनिमल्स लाइफ होता है, उसके शेप में जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल कौन करता है, वो करता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो होता है मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है। कहां से वो निकलता है, वो निकलता है थायराइड ग्लैंड से। ये भी आपको याद रखना है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन, जो कंट्रोल करता है मेटामॉर्फोसिस को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर शो चेंजेस इन। तो अभी हम लोग ने देखा था ये हमारी नोज में पाया जाता है और किस लिए होता है, ये सेंस करता है स्मेल को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23, टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ। जो दांत एनिमल होता है वो किससे बना होता है। तो जो एनिमल होता है टूथ एनिमल, वो क्या होता है, मैक्सिमम जो इसमें होता है वो मिनरल्स होता है, और उसका जो नाम होता है वो होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट आपको याद करना है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है टूथ एनिमल जो जिससे बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ये एग्जाम में आता है, इसे याद कर ले, कैल्शियम फॉस्फेट, और इसे हम लोग हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज द मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल इन सेल्स अकाउंटिंग फॉर 70% और मोर ऑफ टोटल सेल मास। कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो क्या है, वो वाटर है, जो 70% के आसपास पाया जाता है टोटल सेल मास का। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था ये गलत आंसर था इसका, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, लीवर इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो पीयूष ग्रंथि होता है, इसमें से 9 हार्मोन्स निकलती है जो हमारे बॉडी को अफेक्ट करती है, इसलिए इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और हमारे बॉडी का बहुत सारा ऐसा जो एक्टिविटी होता है उसको भी ये कंट्रोल करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, पीयूष ग्रंथि जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, वो मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है। तो जो ग्लूटस मैक्सिमस होता है वही हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, और यही हेल्प करती है हम लोगों को एकदम सीधी खड़ी रहने में। और जो हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं, जो प्रेशर बनता है नीचे की तरफ, वो यही मांसपेशी बनाती है, और इसके कारण हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ पाते हैं सीढ़ी पे। तो ये कौन सा होता है, वो ग्लूटस मैक्सिमस ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27, पुअर विजन इन ह्यूमन कैन बी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। तो मानव शरीर में जो पुअर विजन होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28, विच विटामिन इज प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा जो शरीर है वो विटामिन डी तैयार करता है, जो बहुत ही अत्यावश्यक है हमारे शरीर के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का संवाहक है। तो एनोफिलीज मॉस्किटो जो है, जो मादा मच्छर है जिसके काटने से मलेरिया हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, मुकोसा सब मुकोसा मस्कुलरिस एंड एडवेंटिया आर द 4 लेयर्स ऑफ द डैश वाल। तो ये जो होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल होता है, जो आपको दिख रहा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका ये लेयर्स होता है, उस लेयर का पार्ट होता है मुकोसा सब मुकोसा मस्कुलरिस एंड एडवेंटिया। तो ये किसका होता है, ये होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल वाल का। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31, ह्यूमन बॉडी क्रिएट्स विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। तो जो ह्यूमन बॉडी होता है, मानव शरीर होता है, विटामिन डी क्रिएट करता है सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश में जब हम आते हैं तो उस समय विटामिन डी क्रिएट होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32, डायबिटीज इज अ कंडीशन इन विच द लेवल ऑफ डैश इन एन इंडिविजुअल ब्लड बिकम्स टू हाई। तो जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, डायबिटीज होता है, मधुमेह हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33। डैश इज ए कॉमनली यूज्ड मेडिसिन दैट कैन हेल्प ट्रीट पेन एंड रिड्यूस द हाई बॉडी टेम्परेचर। तो जो आपको पता ही होगा, जो फीवर हम लोगों को होता है, तो फीवर का हमारे बॉडी में पेन भी होता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, तो उसको कम करने के लिए हम लोग पैरासिटामोल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34। द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग इज कॉल्ड डैश। रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो ब्लड क्लोटिंग होता है, जो कोएगुलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जो ब्लड जो लिक्विड होता है वो एक जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड क्लोट यानी कि रक्त का थक्का बना लेता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35। सेटलस लेनेटस इज द बॉटनिकल नेम फॉर। तो ये वाटर मेलन का बॉटनिकल नेम है, साइटलस लेनेटस। तो ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36। द फियर ऑफ फॉरिनर्स इज कॉल्ड। तो ज़ेनोफोबिया जो होता है उसका डिफिनेशन है द फियर ऑफ फॉरिनर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37। मालस पुमिला इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द एप्पल ट्री। एप्पल ट्री का जो बॉटनिकल नेम है वो है मालस पुमिला। मालस पुमिला इज द नेम ऑफ बॉटनिकल ट्री। तो ये जो देख रहे हो बॉटनिकल नेम हुआ या फिर साइंटिफिक नेम जो हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में। तो इसका एक लिस्ट बनाएंगे जो लास्ट 2 ईयर में पूछा गया है और उसका पीडीएफ जो है आप लोगों को सर्कुलेट किया जाएगा। तो इसलिए आप हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इन फ्यूचर जो भी नोटिफिकेशन आए आपको मिलता रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स इज बोटनिकली नोन एज नार्सिसस। तो नार्सिसस किसको बोलते हैं? डेफोडिल। डेफोडिल का जो बोटनिकल नेम है वो है नार्सिसस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39। नाइटोफोबिया इज द फियर ऑफ। तो नाम से ही आपको लग रहा हो नाइटोफोबिया यानी नाइट का फोबिया यानी कि डार्कनेस। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन ह्यूमन ऑर्गन रीग्रो आफ्टर डैमेज इन एडल्ट्स। तो वयस्क में जो एक ऐसा ह्यूमन ऑर्गन होता है जो फिर से वो रीग्रो हो जाता है, फिर से वो बढ़ जाता है जब वो खराब होता है तो फिर से वो सही हो जाता है, तो वो कौन सा ऑर्गन है? तो हमारे ह्यूमन बॉडी में एक लीवर ही ऐसा ऑर्गन है जो एक बार खराब होने के बाद दोबारा वो रीजनरेट हो जाता है, दोबारा सही हो जाता है। और ये सपोज आपका लीवर का 75% खराब हो गया तो इसके बावजूद भी ये क्या है कि लीवर बाद में ये ठीक भी हो सकता है। और ये किसके कारण होता है? ये होता है हेप्टोसाइट्स के कारण, जो लीवर सेल होता है वही उसके कारण ये रीग्रो कर लेता है। तो ये भी आपको याद रखना है, हेप्टोसाइट्स जिसके कारण लीवर जो होता है वो रीग्रो करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। द सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द ओरल पोलियो वैक्सीन इन डैश। तो 2013 में लॉन्च किया गया था, 2013 से 2018 का प्रोग्राम था, इसीलिए सीजीएल में जो पूछा गया है कि लास्ट आप ये समझ लो 6-7-8 महीने का जो करंट अफेयर्स है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन बोल सकते हो क्योंकि ये 2018 तक का था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2013। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42। पासर डोमेस्टिकस इज कॉमनली नोन एज। तो पासर डोमेस्टिकस एस्पैरो को बोलते हैं। पासर डोमेस्टिकस किसको बोलते हैं? एस्पैरो को। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 43। पर्सिया अमेरिकाना इज कॉमनली नोन एज। पर्सियन अमेरिकाना को हम लोग क्या बोलते हैं? एवोकाडो। एवोकाडो जो होता है, जो आप इस फिगर में भी देख सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सियाना अमेरिकाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44। नेम द नोबेल लॉरेट हु हेल्प क्रैक द जेनेटिक कोड। तो किसने जेनेटिक कोड को क्रैक किया था? तो हर गोविंद खुराना, मार्शल नीरनबर्ग एंड रॉबर्ट हॉली ने, तीनों ने मिलके ये काम किया था जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स इज बोटेनिकली नोन एज डायंथस। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्नेशन। ये हम लोगों ने देखा भी था, कार्नेशन और क्लोव पिंक को डायंथस कैरेफिलस भी बोलते हैं और ये स्पेसीज है डायंथस का। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। कैप्रा एग्रेगस हिरकस इज कॉमनली नोन एज। तो ये एक गोट यानी कि बकरी की प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी। तो एओ ह्यूम, जिन्हें आप जानते होंगे, एओ ह्यूम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे, एओ ह्यूम जिनको हम लोग भारतीय पक्षी विज्ञान के पिता भी बोलते हैं, और इनको भारतीय पक्षी विज्ञान के पिता बोलना सबसे पहले किसने किया था? डॉक्टर सलीम अली ने।
तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सलीम अली इसका आंसर होगा। इसका आंसर सलीम अली नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा एओ ह्यूम, जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी फाउंड किया था, की स्थापना किया था, वही हमारा आंसर हो जाएगा फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी के, ऑप्शन नंबर 4। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, कैनिस लुपस इज कॉमनली नोन एज, तो जो उल्फ का प्रजाति है जिसमें ग्रे उल्फ, टिम्बर उल्फ, टुंड्रा उल्फ आता है, वो सारे कैनिस लुपस के कॉमनली नेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये था हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चंस, जिसमें हम लोगों ने टोटल 48 क्वेश्चंस को कवर किया है, ये टोटल 48 क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो हमारा होगा केमिस्ट्री का।